हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बट्रेस थ्रेड एक होती है इस टाइप से। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि बट्रेस थ्रेड क्या होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अरविंद जी, तो उन्होंने कई बार लिख दिया सर बट्रेस थ्रेड के बारे में बताओ। तो ये बट्रेस थ्रेड भी एक में थ्रेड से मिलती जुलती थ्रेड होती है, और ये समझे कि है ना कोई एक फिक्स टाइप नहीं है। ये बट्रेस थ्रेड में अलग अलग टाइप की होंगी। अगर ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वाले जो है ना एपीआई थ्रेड जिसकी होती है, इन लोगों का एक अलग स्टैंडर्ड्स है। जर्मन का जो बट्रेस थ्रेड है उसका एक अलग स्टैंडर्ड होगा, चाइना का बट्रेस थ्रेड का एक अलग स्टैंडर्ड होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ये थ्रेड्स होंगी। दिखने में तो ऐसे ही रहेगा, वन साइडेड दिख रहा है ये, एक साइड से ये ऐसे 45 डिग्री पे ये रहता है। कोई भी थ्रेड्स हो, किसी भी कंट्री की हो, उसका जो ये वाला एंगल है ना, ये तो 45 डिग्री रहता है, लेकिन इनकी जो डेप्थ है पिच के हिसाब से, ये जो फ्लैट है ये बदलता रहता है। किसी में यहाँ पे फ्लैट होगा, यहाँ पे राउंड हो जाएगा, किसी पे ये भी राउंड होगा, यहाँ भी राउंड हो जाएगा, ये रहेगा 45 डिग्री पे। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप्स की थोड़ी रहती हैं, और ये एक सिंपल टाइप की मैंने लिया जो कॉमन होती है। और कॉमन जो है ये मोस्टली यूज होती है ज्यादा, तो इनका जो कैलकुलेशंस है वो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल जाता है। बाकी जो डिफरेंट टाइप का है अलग अलग लोगों के अलग अलग कंट्री का, तो उनका कैलकुलेशन भी स्पेशली उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। दूसरा क्या है, इसको जब हम बनाते हैं ना, तो बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जिस टाइप की बट्रेस थ्रेड बनानी है तो आपको देखना है कि उसकी स्टैंडर्ड इंसर्ट्स जो है वो अवेलेबल है क्या। अगर आपको स्टैंडर्ड इंसर्ट्स मिल जाती है तो फिर तो ये बनाना आसान है। आप सिंपल जैसे मैट्रिक थ्रेड बनाते हैं या सिंपल आप बीएसपी थ्रेड बनाते हैं, आप उस टाइप से इसको बना सकते हैं। और अगर उस साइज की जैसा ये बनाना है, अगर उसकी इंसर्ट्स नहीं है आप पे, या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए फिर या तो एक इसको हम लोग कैम प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाएं, या फिर आपका एक टर्न मिल सेंटर है उसकी हेल्प से बनाएं, और नहीं तो एक मशीन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड बर्लिंग मशीन, तो वो थ्रेड बर्लिंग मशीन से फिर ये बनाई जाएंगे। सिंपल हम लोग सीएनसी टर्निंग पे नहीं बना सकते। ठीक है, ये क्लियर है क्या। अगर ये स्टैंडर्ड साइज की है जैसा मैंने बताया है, इसकी स्टैंडर्ड इंसर्ट्स अवेलेबल है, तो हम बड़े आराम से सीएनसी टर्निंग पे बना सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इंसर्ट्स नहीं अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स के जैसे मैंने बताया ना कि डिग्री अलग अलग रहेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ तो ऐसे है, कुछ ऐसे रहेंगे ये कि आपको यहाँ पे देखने में तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो डिग्री है ये 45 डिग्री रहेगा, और ये जो यहाँ पे है ना ये भी हल्का सा ये डिग्री में आएगा। जैसे बताता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ में तो ये राउंड हो जाएगा या फ्लैट भी हो सकता है, बट ये जो है ये बिल्कुल 90 डिग्री है, इसमें ये हल्का सा टेपर में आएगा, फिर यहाँ पे ये फ्लैट आएगा, फिर ये 45 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे ये हल्का ये टेपर आता है यहाँ। तो अब ये टेपर वगैरह इंसर्ट्स में अवेलेबल है तो ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो डिग्री बनता है ये वाला, वो यहां पे भी या कहीं पे भी ये हमेशा 45 डिग्री रहता है, लेकिन ये जो डिग्री हमें दिख रहा है, अगर ये यहां से सीधा अगर देखें और यहां से ये देखें, तो ये कुछ ऐसी होंगी जिनमें ये 5 डिग्री होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनमें ये 7 डिग्री होगा। तो फिर उनके लिए बनाने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स की इंसर्ट्स अवेलेबल हैं तभी बनेगा, और नहीं तो फिर वही मैंने बताया ना कि थ्रेड बर्लिंग पे बनेगा या टर्न मिल सेंटर पे जिसमें लाइव टूल्स वगैरह अवेलेबल है वहां पे ये बनेंगे।
तो इसमें अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड टाइप के एक बट्रेस थ्रेड की बात करें, तो इसमें जो इसका फ्लैट पोर्शन है ना एफ, ये होता है 0.125 इंटू पिच, है ना, इंटू पिच। इसका ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। इसका जो थ्रेड का डेप्थ देखेंगे तो ये हम लोग लेते हैं 0.75 इंटू पिच, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो जो थ्रेड का साइज दिया रहता है, कोई भी थ्रेड अगर बनाना है, मान लो आपको बनाना है थ्रेड साइज, तो थ्रेड साइज ये कुछ ऐसा दे देगा कि जैसे आपको एक इंच, एक इंटू, या ऐसा दे देता 1-16 बट्रेस थ्रेड, ऐसा लिख देगा। एक 16 की बट्रेस थ्रेड बनानी है, या इसमें अलग अलग ये साइज आ सकता है, एक 16 हो सकता है, ये 1-12 हो सकता है, 1-10 हो सकता है, ये नाम वही रहेगा। फिर ये ऐसा 1/1/4, 1/3/8 कुछ भी हो सकता है। 2 इंच की रहेगी तो 2×2-10, 2-8, 2-6, सॉरी थोड़ा सा खांसी है, जुकाम भी है, आवाज़ थोड़ा बदला बदला आपको लग रहा होगा, बट मैं सोचा आपको बना देता हूँ ये अच्छा सा एक वीडियो। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अगर मान लो कहीं पे आपको 1/16 की बट्रेस थ्रेड बनानी है, तो समझे कि ये जो उसका है ना, ये मेजर डाया है, ये मेजर डाया है, और ये जो है ये उसका टीपीआई है जिसमें कि आपको चूड़ी बनानी है। तो अगर हम लोग इसी की कैलकुलेशन की बात करें कि ठीक है, अगर हम लोग 1×16 बट्रेस थ्रेड बनाते हैं, तो अब आप एमएम में बनाएंगे, तो एमएम में बनाएंगे तो समझिए कि जो इसका मेजर डाया होगा इसका जो मेजर डाया होगा वो तो हो गया आपका 25.4, 1 इंच में 25.4 मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मेजर डाया चाहिए, माइनर डाया चाहिए और पिच चाहिए। तो ये मेजर डाया हो गया, पिच जो इसमें बनेगा वो बनेगा 16 टीपीआई है, तो हम लोग अगर 25.4 में 16 का भाग दे दे तो इसका पिच निकल जाएगा 16 divided by 25.4 divided by 16, पिच आ गया इसका 1.587, ये हो गया पिच। और मैंने बताया कि इसका जो डेप्थ है वो 0.75 इंटू पिच है। अब ये पिच निकल गया, तो हम लोग अगर डेप्थ निकाल लें तो डेप्थ हो जाएगा 0.75 इंटू पिच, पिच है दोस्तों, आपने निकाल लिया 1.587। तो अगर 1.587 में हम लोग गुणा कर दें 0.75 का, तो ये आ जाता है 1.19, ठीक है ना। तो ये 1.19 हो गया इसकी डेप्थ। अब हम लोग माइनर डाया की अगर बात करें, ये आ रहा है ना कैमरे में, कभी दिख ही ना रहा हूं। माइनर डाया जो है, अब वो जो डेप्थ है इसका डबल करके इसमें से घटा दिया, तो ये डेप्थ हम लोग निकालते हैं माइनर डाया। तो मेजर डाया ये है, इसमें से इसका डबल आपको घटा देना है,
1.190 है, इसको हम लोग अगर डबल कर दे, 2. अगर इसका हमने डबल कर दिया मान लीजिए, तो ये आ गया हमारा 2.381। और ये 25 में से घटा दीजिए, माइनस 25.4 में से, तो ये दोस्तों आ गया 23.01। इसके चार्ज भी आते बटरेस थ्रेड के, तो आप समझिए कि इसमें हम लोगों को जो जरूरत थी वो मिल गया। क्या क्या जरूरत था आपको, कि एक तो आपको जरूरत है ये मेजर डाया की, दूसरी जरूरत पड़ेगी आपकी पिच की, और तीसरी जरूरत है आपको माइनर डाया की। तो तीन चीजें आपको मिल गई, और चौथी जो जरूरत है इसमें सबसे मेन है वो है आपको इसके इंसर्ट्स का। तो इसकी इंसर्ट्स आपके पास स्टैंडर्ड मिल जाती है, नॉर्मल जो हम लोग बटरेस थ्रेड बनाते हैं इसकी इंसर्ट्स की हमें जरूरत रहेगी, इंसर्ट चाहिए। इसमें जो हम लोग साइकिल यूज करेंगे या कोड यूज करेंगे, तो अगर आपको इंसर्ट स्टैंडर्ड मिल गई ठीक है ना, तो फिर हम लोग इसमें कोई सा भी कोड G78 से बना सकते हैं, या आप इसको G76 से बना सकते हैं, G32 या 33 से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग किसी से भी कोड, मान लीजिए मैं इसमें G32 यूज करूं, इसमें G32 प्रेफर क्यों करना चाहिए कि उसमें क्या है, हम जैसे ये बनाएंगे तो 32 में जहां से वापस उठाएंगे ना वो वहीं से उठेगा। अगर आप इसके जगह पे जैसे G76 या G78 यूज करते हैं तो लास्ट में जाके वो कैसे रिवर्स होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो उसके साइकल्स में जो मतलब इनबिल्ट होगा वो डला होगा वैसे ही वो रिवर्स होगी, जबकि G32-33 में हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो अब अगर इसका हम प्रोग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, अगर यहां पे थ्रेडिंग का कोई सा भी एक कोड हम लोग यूज कर ले, मान लीजिए यहां पे मैंने यूज कर लिया O0019, ये मेन प्रोग्राम है, यहां पे जो भी सीक्वेंस नंबर आता है हम लोग वो लिख दें, G28U0W0, जो भी टूल नंबर है मैंने 3 ले लिया, G97S, RPM मान लीजिए मैंने 800 ले लिया, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ये काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहां पे G0X100Z50, जैसा मैं बताता हूं कि ये एक सेफ्टी का ब्लॉक है, उसके बाद मैं इसको लेके आ जाऊंगा X में। अगर हमें ये 1 इंची की चूड़ी बनानी है और मेजर डाया 25 है, इसका समझिए कि जब ये बनाएंगे ना तो ये वाला जो डाया होगा मेजर वो होगा 25.4 का, तो हम लोग इसको 2 mm ऊपर उठा लें तो 27 या 28 पे खड़ा कर देते हैं, Z2 पे, और यहाँ पे कूलेंट को ऑन कर लिया। उसके बाद आप G32 यूज करेंगे, Z- आपको जितना जाना है यहां से आप बना रहे हैं तो Z- 25 30 35 40 जितना दिया हो आप वो डाल लें, फीड आपको डालना होता है इसमें, और फीड हमारी है 1.587 भी ले सकते हैं, या ये 7 छोड़ देते इसको हम लोग 9 कर सकते हैं, 1.5 में ये जाएगा। फिर ये हम लोग सीधा ऊपर उठा लेंगे G0X28, लेकिन अब ये ना दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक हो गया कि ये 28 पे नहीं बनाना है आपको, कि पहला कट अगर हम लोग देखें तो ये 28 पे गया ना, आपको 28 पे तो नहीं ले जाना,
हमें पहला कट कहाँ लेना है, एक्स में 25.4 पे है। हम लोग अगर पहला कट 25.4 पे लेना है तो आप 4 पे ले लीजिए, नहीं तो हम 25.2 पे भी ले सकते हैं। तो इसको 28 यहाँ खड़ा करके G0 एक्स इतना पे ले आए और फिर तब ये G32 जेड माइनस 40 फीड 1.59, फिर ऊपर उठा लेंगे G0 एक्स 28, ऊपर उठ गया फिर Z2 पे जाएंगे, फिर X में 25.4 है से 2 आ गए। आप समझिए मुझे 25 पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा, फिर यहाँ पे G32 जेड माइनस 40 फिर 1.5। तो दोस्तों ये काम हमें कितनी बार करना है, ये बार बार ऐसे ऊपर उठाना है और आना है हम लोगों को ये करते करते, समझिए कि X में लास्ट कट हमारा जो जाएगा वो 23.01 आ रहा है, तो आप 23.01 कर दें और उसमें लास्ट में फिर हमें यही G32 जेड माइनस 40 फीड 1.59। और अब यहां से आप ऊपर उठा लेंगे G0 एक्स 28 लेके और फिर G0 एक्स 200 जेड 100 M09 M01 M30 जितना भी हम लोग इसको डालना चाहें, ये नीचे का आपको नहीं भी दिख रहा होगा, तो उसके बाद अपना इसके बाद M01 M30 या जो भी इसके बाद सीक्वेंस आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि बटरेस थ्रेड में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेशल सिर्फ ये है कि ये कौन सी बटरेस थ्रेड बनानी है और उसकी इंसर्ट्स आपको अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं उसकी इंसर्ट्स मिल जाती है, अगर मिल जाती है तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो बताया ना कि ये अलग डिग्री, ये अलग डिग्री, ये अलग प्रोफाइल, तो उसकी इंसर्ट्स थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा तो फिर ये सिंपल टर्निंग पे नहीं बनेगा, फिर वो जैसा मैंने बताया कि वो थ्रेड बर्लिंग मशीन वगैरह होती है, उसमें एक साथ कई सारे प्रोफाइल की इंसर्ट्स लगाते हैं, कोई ये टेपर बनाएगी, कोई ये काटेगा, कोई फ्लैट बनाएगा, तो फिर वो उस पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बटरेस थ्रेड के बारे में क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है, ओके बाय।